भाई, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ मैं, लाया हूँ। कहाँ है? यहीं तो रखा था, ये मिल गया। लो 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 ना, लो, लो, लो ना भाई, दो ना, दो ना। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। नाराज क्यों होती हो मेरी गुड़िया, ये लो। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई लव यू भाई। नहीं बेटा राजू, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो हमारे पोते की वजह से हम खामोश है, नहीं तो तुम्हें कब से घर से बाहर निकाल देते। तुम्हें जल्दी से जल्दी काम ढूंढना होगा, निकामा नहीं बैठने देंगे हम तुम्हें। जाओ और जाके काम ढूंढो। अरे बाबा, पूरी जिंदगी पड़े लेना। अरे मिल जाएगा ना एक ना एक दिन काम। अरे क्या हुआ बाबा, क्यों भैया को टेंशन देते रहते तुम? अभी मैं हूँ ना बॉर्डर पे, जब तक मैं जिंदा हूँ भाई को टेंशन देने का नहीं। और तुम भी टेंशन मत ले, अगर तुम्हारी भी तबीयत बरोबर रहती नहीं, अभी करने दो भाई को जो करने का जब तक मैं हूँ। ठीक है ना भाई, टेंशन मत ले करो तुम। बाबा बाबा, तुम थोड़ी तुम्हारी तबीयत पे भी ध्यान दो। ये लो तुम्हारा नया चश्मा लाया, और तुम दवा हुआ लाते नहीं, देखो तो। बेटा है ना अच्छा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत नाज है बेटा। एक काम करो तुम ना, ये लो और दवा ले लो, और घर का खर्चा मैं अलग दे दिया हूँ। ये तुम्हारे को पर्सनल दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी सिर्फ दवा के लिए, ये अपने पास रखना। तैयार हो गया बेटा? हाँ बाबा, जा रहा हूँ, क्योंकि इस घर से ज्यादा जरूरत मेरी इस देश को है। अब क्या करूं, बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए मुझे छुट्टी आधी छोड़ के जाना पड़ रहा है। और तुम अपनी तबीयत का बरोबर ध्यान देना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। चलता हूँ बाबा। गुड़िया। भाई मैं आपको रोकूंगी नहीं भाई, मुझको पता है भाई, हमसे ज्यादा इस देश को आपकी जरूरत है भाई। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, उतना ही प्यार मैं अपने इस देश की करोड़ों बहनों से भी करता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगा। मुझे पता है भाई, मुझे आप पर गर्व है, मुझे आप पर गर्व है मेरे भाई। लेकिन मैं भी आपसे इतना वादा करती हूँ कि आप जब तक लौट कर नहीं आओगे ना भाई, मैं शादी नहीं करूँगी भाई। अरे पगली, तेरी शादी और मैं ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं जरूर आऊंगा और टाइम पर आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, और बाबा का और भाई का ध्यान रखना, और अपना भी ध्यान रखना। रोना नहीं ज्यादा, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ठीक है। चलता हूँ भैया। बाबा की बात दिल पे लेना नहीं, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ अब भैया मैं क्या बोल रहा, कहाँ चला गया मेरा चश्मा? कमबख्त मारा मिली नहीं रहा, हमने यही तो रखा था। ये घर है के कबाल खाना कहाँ है? अरे समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज ठिकाने में नहीं रहती।
अरे बेटा राजू 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 कहाँ मर गया? अरे इधर आ। क्यों इतना घुमाटिया मार रहे बाबा तुम? तेरी जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। कहाँ मर गया था? अरे बाबा मैं टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मा बराबर देखना, बाप का सीधा चश्मा मत देखना। हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है। पांक, पांक। हाँ अब हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हारी ये हरकतों की वजह से बाहर मेरे को बजियात कर रहे लोग। हाँ परसों भी ऐसे काम बढ़ाया तुमने, माँ के साथ बाजार में गए और उसके बाजू में खड़े रह के उसको ही पूछ रहे कि बहन जी मैंने तुमको कहीं देखा। हमने भूल से बहन कहा, हमने कौन सी तेरी माँ से राखी बदवा ली? अरे पर वो तो बैठ गए ना नाना के वहाँ। वो बैठन दे, अगर तेरी माँ तेरी नानी क्या बैठती है तो हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले रहेंगे। ठीक है वो रिका में वादा छोड़ और बाजार से खाने के लिए सब्जी ले आ, ये ले पैसे। ठीक है और तो कुछ नहीं लाने का ना? हाँ नहीं तो ये बार बार ऐसा चकरा नहीं मारूंगा मैं, बोल दे रहा तुमको। नहीं रे और कुछ नहीं लाने का, तू खाली जा सब्जी ले गया, चल निकल। राजकुमार चीचा हेलो अखबार। जा रहा मैं। सुन रहे हो कंबगत मारे अखबार वाले, इधर आ। अखबार दे दिया ना आप, क्या पढ़ के भी दू क्या? नहीं तू इधर आ। बोलो क्या बोले? साइकिल लगा यहाँ। और जो तूने ये जो तूने अखबार नीचे फेंका है हमें उठा के दे। अरे दे दाना ज्यादा जबा रखते, और कब दे दे पैसे? 2 महीने से पैसे बाकी है। बेटा तुमने ये अखबार हमारे कदमों में फेंका होता तो अब तक तुम्हारा जबड़ा हमारे हाथों में होता और तुम्हारी पैंट गीली हो जाती। और निकल ले यहाँ से, मिल जाएंगे तेरे पैसे, चल जा दुआड़, निकल ले इधर से, चल निकल। अरे तो ज्यादा ना इतना कैसा टर्रा था ज्यादा। अरे बहुत ही तपड़ा राजकुमार दिख रहा था ये। अरे तेरी तो निकल। जब कुछ न बन सका तो ये धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। जब कुछ न बन सका तो ये धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। सुन रहे हो रिकामो, इतने कैसे बड़े हैदी है तुम? आए खाली मुंह हिला रहे, ऊपर से भीख मांग रहे, मोबाइल बंद कर पहले, जिधर से आवाज आ रही। तुमने कैसे पहचाने हो चीचा? क्योंकि तुम्हारा मुंह किधर जा रहा था और आवाज किधर से आ रही थी इसलिए हमने पहचान लिया। अरे क्या करेंगे चीचा, आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोगों को यही सब पसंद है। अरे तुमको एक बात बताओ क्या, आज लोग रिक्शे और टैक्सी में बैठते ना तो पहले पूछ लेते कि भाई टेप है ना, गाना बजेगा ना, फिर बैठते। वो जान दो, मगर हम है ना जो दूसरे काम से आए थे यहाँ पे। दूसरे काम से? हाँ दूसरे काम से। मैंने सुना है कि आपके यहाँ रिश्ते की बात चालू है। हाँ है। तो मैं क्या कह रहा राजकुमार चीचा, ये मेरा दोस्त है, इसके वास्ते भी हम लड़की ढूंढ रहे हैं। मेरा दोस्त बहुत कमाता है, रोज 1,000-2,000 कमा लेता है, बड़ी बड़ी चौक में बैठता है, झोली भर भर के पैसा लाता है। क्या बोड़ा, मैं ये रिश्ता पक्का समझू? अगर ये बात तुमने हमारे घर के अंदर कही होती तो अब तक तुम दोनों का जबड़ा हमारे हाथों में होता। जाओ तुम जाओ, निकलो इधर से जाओ। जा रहे इतना इतराओ मत, जिस झाड़ पे फल रहते हैं ना पत्थर उसी पे आते। ठीक है जाओ।
जा रे एक रुपया तो फेंक के मारे नहीं हम जाओ जाओ बोर्ड वहाँ पे। ठीक है निकलो इधर से जाओ निकलो उधर ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बाबा आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है नहा लीजिए। हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ हम आते हैं। इधर अंधे और लंगड़े ने दिमाग खराब कर दिया और इधर बेटी ने पानी गर्म कर दी। ठीक है राजकुमार चल नहा ले कभी कभी तो नहाता है तू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें भाई लोग। और हाँ दोस्तों हमारी इस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ मेरे दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट लिखना ना भूलिए। और हाँ हमारे YouTube चैनल खानदेसी पंच को सब्सक्राइब करो।